इंडिया में व्लॉगिंग बोलेगा ना भाई साहब, लोग टेंशन में आ जाते हैं कि भाई क्या कर रहा है। एनीवेज, सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज स्पीडी लियो एंड आज हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक रिगार्डिंग अलॉय व्हील्स वर्सेस स्पोक व्हील्स। यस, सो बहुत लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि अलॉय व्हील्स और स्पोक व्हील्स बहुत लोग लगाते हैं गाड़ी में, तो हमको क्या लगाना चाहिए। तो पहला तो दोनों का प्राइस में फ़र्क आ जाता है। अलॉय व्हील आता है 6000 स्टार्टिंग होता है, 6000 से लेके 10000 11000 तक भी जाता है। एंड अपना जो स्पोक व्हील्स होता है वो बहुत सस्ते में हो जाता है, 4000 में आपका आगे पीछे का दोनों हो जाता है। और वही आपका अलॉय व्हील आप डालने जाएंगे तो आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए उसके ऊपर रहता है कि अच्छा डिज़ाइन चाहिए हल्का वाला चाहिए, लेकिन फिर भी 6000 मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस रहता है, 6000-7000 ऐसा होता है। तो अभी फ़र्क क्या है दोनों में? तो फ़र्क तो अभी देखो कैसा है, वो है अलॉय व्हील, ये है अपना स्टील का स्पोक रिम जो भी है, लेकिन दोनों का यूज़ में बहुत फ़र्क हो जाता है। अभी जैसा अलॉय रिम जो होता है उसको लेके आप लॉन्ग राइड्स पे नहीं जा सकते, क्योंकि सीन ऐसा हो जाता है वो क्रैक वीक होने का उसका चांस रहता है। अभी जैसा आप लोग को मालूम रहेगा आजकल का भी जितना भी मॉडर्न बाइक्स आता है, मतलब जैसे एडवेंचर बाइक्स, ADV 390 हो गया KTM का, फिर वर्सेस 300 हो गया, तो ज़्यादातर सब लोग प्रेफर करता है कि मतलब वो बाइक में स्पोक व्हील्स आना चाहिए स्पोक, लेकिन फिर भी कंपनी अलॉय डालता है तो पब्लिक को बहुत गुस्सा आता है। मतलब स्पोक रिम्स का इतना डिमांड है मार्केट में। अभी और एक बाइक अगर बोलेगा बड़ा बड़ा कैटेगरी में तो टाइगर हो गया, टाइगर में अलॉय व्हील आता है और स्पोक वाला भी आता है, तो ज़्यादातर लोग स्पोक वाला ही लेते हैं। लंबा लंबा अगर राइड्स करने का, गाड़ी अगर किधर कूदाने का है, ऑफ रोडिंग करने का है, फिर अपना GSA ले लो, इतना महंगा बाइक है, 20-25 लाख का बाइक है, फिर भी उसमें कंपनी स्पोक रिम देता है। मतलब फ़र्क समझो कि उसका तो स्पोक व्हील बहुत हाई क्वालिटी का रहता है लेकिन स्पोक देता है उन लोग, फिर भी उसमें अलॉय नहीं डालता है। क्योंकि क्या होता है, स्पोक रिम बहुत ड्यूरेबल रहता है, बहुत मतलब रिलायबल बोल सकते आप उसको। अगर आप हाईवे राइड पर अगर समझ जा रहे एंड सडनली एक समझो पॉटहोल आ गया, जो अपना इंडिया में बहुत कॉमन है कि मतलब अच्छा खासा चिकना रोड पे भी गड्ढा रहेगा ही, तो वो टाइम पे अगर आपने स्पोक व्हील है आपके गाड़ी में तो आपका गाड़ी आप कूदा सकते हैं, आपट सकते हैं उसके अंदर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर आपके गाड़ी में अलॉय रिम रहेगा तो वो हो जाएगा बेंड, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है इसीलिए। एंड दूसरा बात देखने गया तो RX में सब लोग स्पोक ही डालते हैं। मेरा जितना भी दोस्त लोग है, राइडर लोग जितना मतलब जाते हैं लंबा लंबा टूर पे, मैं आज तक किसके गाड़ी में अलॉय व्हील देखा नहीं। खाली जो लोग सिटी में चलाते हैं उन लोग के लिए ठीक है, एंड लुक्स के लिए ही सिर्फ अच्छा है वो, और बाकी कुछ भी काम नहीं है उसका, प्रैक्टिकल तो कुछ भी काम नहीं है उसका अलॉय रिम का। इसलिए मैं तो वही सजेस्ट करेगा, सबसे बेस्ट अपना ओरिजिनल लुक में जाओ, अपना RX का स्पोक रिम अलॉय को, अगर आपके ऊपर चॉइस है, अगर आपको लुक्स कुछ अगर अच्छा करने का गाड़ी का हटके कुछ बनाने का तो डालो, नहीं तो प्रैक्टिकल तो उसका कुछ यूज़ नहीं है। एंड दूसरा बात जो मेन हाईलाइट पॉइंट होता है कि सस्ता है अपना स्पोक रिम, सस्ता आता है एंड अलॉय रिम महंगा आता है, तो वो भी एक पॉइंट हो जाता है। एंड अभी मैं और एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताता है, जैसा कि आपको स्पोक रिम कौन सा डालना मांगता है, तो मेरे गाड़ी में जो है वो है हीरो होंडा स्प्लेंडर का। अभी मेरे को एग्जैक्ट मेरे को डायमेंशन नहीं मालूम क्या क्या है उसका, अभी ये स्क्रीन में आपको फोटो में दिख जाएगा। तो आपको वो इसका लेने का है अपना हीरो होंडा का, ठीक है। और जो स्पोक आता है, स्पोक भी आपको लेने का हीरो होंडा का, जो मतलब वो रिम के साथ में जो सूट करेगा वो वाला। क्या दारू वीरू पिया क्या ये होंडा सिटी वाला, डायरेक्ट घुस गया देखो कैसा जा रहा है, नो इंडिकेटर कुछ नहीं। एनीवेज, सो आपका रिम आ जाएगा 750-800 तक, ठीक है, आगे पीछे मतलब एक आगे का सिर्फ 750-800, फिर वो पीछे वाला 750-800 ऐसा
एंड जो आपका स्पोक्स आएगा वो समझो 1200 तक पकड़ लो। एंड स्पोक्स का भी ऐसा सीन रहता है कि आपको पहला स्पोक्स ऐसा नॉर्मल मिलेगा, उसमें थोड़ा सा ऐसा ना बोलेगा अपना कॉपर जैसा एक लुक थोड़ा रहता है, ऐसा थोड़ा शाइन करता है वो येलो येलो। एंड फिर उसको आपको प्लेटिंग करना पड़ता है, कंपनी से प्लेटिंग हुए आता नहीं है, तो ये बात है, ये इसका आपको ध्यान रखने का है। तो आपका वो 1200 तक प्लेटिंग वीटिंग के साथ में सब ओके हो जाएगा। तो अगर ऐसा आपका राउंड फिगर एक पकड़ा तो आगे का 800 रिम स्पोक्स का आपको पड़ेगा 1200, तो टोटल हो जाता है वही 800-1200 कितना हो गया 2000 एंड पीछे का भी वही 2000 ऐसा। एंड बहुत लोग को ऐसा भी एक डाउट है कि हम लोग पीछे जावा का रिम डाले क्या, जावा का जो 16 इंच वाला रिम रहता है वो भी आप डाल सकते हैं, वैसा आपको रिम ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए स्पोक्स भी अलग से ढूंढना पड़ेगा। एंड उसके लिए भी और अल्टरेशन भी करना पड़ता है, जैसे कि आपको राइड हाइट पीछे से थोड़ा उठाना पड़ता है क्योंकि वो चक्का स्मॉल हो जाता है, तो आपका नॉर्मल जो सस्पेंशन आता है वो गाड़ी पीछे से दब जाएगा, तो आपको गैब्रियल वाला सस्पेंशन, ये वाला जो अभी फ़ोटो में आप लोग देख रहे हैं, वो सस्पेंशन डालना पड़ता है और फिर वो कंपनसेट कर डालता है हाइट को, समझा? तो मतलब वो सस्पेंशन का ट्रैवल बहुत लॉन्ग है और व्हील आपका छोटा हो जाता है तो हो जाता है, फिर वो दोनों यूज़ में आ जाता है। ऐसा आप लोग कर सकते हैं अगर आपको रिम विम डालने का है जो भी। सो अपना गाड़ी में तो स्टॉक ही है, मैं तो कभी अलॉय व्हीलर डालने वाला नहीं है और मेरे को तो इतना कुछ खास लगता नहीं हो। एंड मैं ऑफ रोडिंग भी बहुत करता है अपना बाइक पे, जैसे बारिश वरिश का टाइम आ गया तो बाइक कूदाने विदाने के लिए भी मस्त है, हाईवे लॉन्ग राइड्स पे जाने के लिए भी एकदम मस्त है, गाड़ी वीडी कुछ टेंशन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा। सो यही बात है, तो और कुछ मेरे को लगता नहीं, और कुछ पॉइंट बचा रहेगा। सो या दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको मज़ा आया होगा। एंड अपना 20 के होने को आया है तो बहुत जल्दी जल्दी अपने को 20 के कर डालने का है, फिर एक स्पेशल वीडियो डालेगा मैं। सो टिल देन स्टे ट्यून, राइड सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पीस।